हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बनाऊंगी काला गुलाब जामुन। काला गुलाब जामुन के लिए मैंने यहां पर 1 कप चीनी ले ली है। ये मैंने ले लिया है 80 ग्राम मिल्क पाउडर। ये मैंने मैदा ली हुई है 60 ग्राम। और इधर मैंने ले ली है 30 ग्राम सूजी। ये मैंने 100 ग्राम लिया हुआ है मावा, जो मैंने बना के रखा हुआ था पहले से ही। और ये 100 ग्राम के करीब मैंने ले लिया है पनीर। तो चलिए पहले इसकी चाशनी बना लेते हैं हम। चाशनी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 बर्तन। अब मैं इसमें डाल लूँगी 1 कप चीनी, जो मैंने ली हुई है। 1 कप चीनी में ही हमें उसी कप से नाप के आधा कप पानी लेना है। चाशनी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 इंच ऑरेंज कलर खाने वाला। ये देखिए, अब इसमें उबाल आ चुका है चाशनी में। अब हम इस चाशनी का थोड़ा सा सिरप लेके दोनों उंगलियों से चेक कर लेंगे। अगर ये उंगलियों पे हमारी चिपक रहा है तो इसका मतलब हमारी चाशनी बनके एकदम तैयार है। चाशनी को मैंने चेक कर लिया है, अब मैं इसको उतार लूँगी। इधर मैंने 1 बर्तन ले लिया है और पनीर को कर लिया है मैंने क्रम्बल। अब मैं लूँगी खोया, जो मैंने लिया हुआ था, वो इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम मावे को और पनीर को दोनों हाथों से मल लेते हैं, जैसे हम नीड करते हैं। ये देखिए, मैंने अपने हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है दोनों चीज़ों को। अब मैं इसमें सारी चीज़ ऐड कर लेती हूँ जो मैंने ली हुई है। सारी चीज़ों को डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं लूँगी यहाँ पर बेकिंग पाउडर 1 चुटकी। इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे अच्छे से स्पॉन्जी बनेंगे। अब हमारा गुलाब जामुन का डो बन के तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे गुलाब जामुन बना लेंगे। अब मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। आपको जो जो भी सेब पसंद हो, आप वो सेब में गुलाब जामुन बनाइएगा। मुझे ये वाली सेब गुलाब जामुन में पसंद है, तो मैंने इस सेब में बना लिए हैं। गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए एक कढ़ाई, और उसमें ले लिया मैंने रिफाइंड ऑयल। अब हम इसका गर्म होने तक वेट कर लेते हैं। इधर अब ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम सारे गुलाब जामुन को इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, गुलाब जामुन हमारे बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। हमें गुलाब जामुन को ब्लैक कलर लाने तक फ्राई करना है। इस तरह से इनका कलर होना चाहिए। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको डाल लूँगी चाशनी में। इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमने सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं। अब इनको भी हम डाल देते हैं चाशनी में। इधर हमने सारे काला गुलाब जामुन चाशनी में डाल लिए हैं। अब इसको 10 मिनट तक ढक के रख देंगे, जिससे सारे काला गुलाब जामुन चाशनी को ऑब्ज़र्व कर लें। फिर मैं आपको दिखाती हूँ काला गुलाब जामुन इस चाशनी में से निकाल के। तो अभी हम रख देते हैं इसको ढक के। 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने 10 मिनट के बाद काला जामुन निकाल लिया है एक प्लेट में। ये देखिए, हमारा काला गुलाब जामुन बन के तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? तो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।